बोले हम अर्तुगरुल देख रहे, दीन सीख रहे। क्या बोले? मतलब अर्तुगरुल सवाब की नियत से देख रही थी पब्लिक रमजान में। ये हाल था हमारी उम्मत का। और जबकि पता है अर्तुगरुल, ये जितने भी ड्रामे जो दीन के नाम पे बनते हैं ना, इसको देखने का ज़्यादा नुकसान है। पूछा क्यों? क्योंकि आप उसको क्या समझ के देख रहे हो? आप पिक्चर देख रहे हो, उसे दीन समझ रहे हो। पता है गलत है भाई, हराम है। लेकिन अगर आप अर्तुगरुल ड्रामा देखते हो तो क्या समझ के देख रही पब्लिक? दीन। दीन समझ के देख रही है कि सल्तनत उस्मानिया वो पूरा चलते हुए आया है, तो मतलब दीन का हिस्सा है ये सोच के देख रही। और उसमें क्या चल रहा है? आशिकी माशूकी। और बहुत से लोग तो वो माशूकी की वजह से देख रहे थे उसे, ये भी मुझे खबर मिली है। तो जहाँ दीन समझ के आप कुछ चीज़ देखोगे तो ज़्यादा नुकसान है। तो अर्तुगरुल ड्रामा देखने से आपको क्या मिलेगा? ज़्यादा नुकसान, फ़ायदा कम मिलेगा भाई। पिक्चर देखने में मेरा मानना है कि इंसान पिक्चर देख रहा है गलत समझ के देखता है, लेकिन ये ड्रामे जो आजकल दीन के नाम पे बन रहे ना, उसे सही समझते हुए इंसान देखता है। तो कोशिश करे कुछ भी ना देखे, जीरो पर है, कुछ भी ना देखे। हाँ, कार्टून वगैरह कोई चल रहे इस्लामिक वो देख ले, नात वगैरह सुन ले, ये सारी चीज़ों की आदत डाले। और भी बहुत सी चीज़ें इस्लामिक बन रही है, वो चीज़ों को देखने की कोशिश करें, लेकिन इन चीज़ों से बचे। वो देखो इतने बड़े बड़े बाल रख लिया वो अर्तुगरुल, वो पूरी छोटी छोटी बांध के घूम रहा है इतने बड़े, और पब्लिक भी बांधने लग गई। और क्या बोलते, शेख ने तो रखे हुए, क्या बोलते, शेख ने तो रखे हुए, मतलब ये क्या है? सही है भाई, शेख अर्तुगरुल की वजह से नहीं रखते पहली बात तो। और दूसरी बात, अर्तुगरुल ने जो बाल रखा है वो फिर भी अलाउड नहीं है, वो फिर भी अलाउड नहीं। मैंने देखा एक फ़ोटो आई थी, वो पूरा बांधा हुआ था और वो गोल 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 वाली चोटी बांधा था और पूरी नीचे तक जा रही थी, वो वैसे भी अलाउड नहीं है। आप कंधों तक रख सकते हो मैक्सिमम, यहीं तक रख सकते हो, उसके नीचे तो फिर भी नहीं जा सकते। तो लड़के ये ड्रामे देख देख के पागल हो रहे थे, इसे दीन का हिस्सा समझ रहे थे। तो ऐसी हरकतें बिल्कुल भी ना करो। कोई भी गुनाह में आप मुलव्विस हो तो धीरे 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 इंशाल्लाह आपसे गुनाह छूटेगा। इसलिए मैं एक और चीज़ बोलता हूँ, जैसे कोई सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, इन चीज़ों में मुलव्विस है, तो उससे डायरेक्ट छूटता नहीं है। सबसे मेन चीज़ होता है कंपनी चेंज करो, अपनी कंपनी चेंज कर दो। आप ऐसी कंपनी के साथ रहते हो जो इन चीज़ों में मुलव्विस है ना, तो बस अब आप कितने भी मुत्तकी परहेजगार बन के वहाँ पर जाओगे, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ना, अतर वाले के पास जाओगे तो क्या मिलेगा? खुशबू। भले ही से अतर उससे खरीदो ना आप, लेकिन खुशबू लग जाएगी कहीं ना कहीं से, और आपके पास से आएगी, गले ही मिल लोगे तो आ जाएगी। लेकिन अगर आप किसी लोहार के पास जाओगे, वहाँ पर आप काम ना भी करो, तब भी कुछ ना कुछ आपके कपड़े पे गंदगी लग ही जाएगी। इसका हरगिज़ यह मतलब नहीं है कि लोहार को नीचे दिखा रहे, ना 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 ना, इसका मतलब ये है कि इंसान जिन लोगों के साथ रहता है उसका असर उसके ऊपर होता है। तो सबसे पहले कंपनी चेंज करो। आप अगर ये कंपनी, ऐसी कंपनी में रहते हो जो इन चीज़ों में मुलव्विज़ है, नशे वाली चीज़ों में मुलव्विज़ है, कंपनी चेंज कर दो तो इंशाल्लाह आप धीरे धीरे तो एकदम ही छोड़ दोगे वो। उसके बाद जब आप एकदम पक्के ईमान वाले हो जाए ना, तो फिर वापस कंपनी ज्वाइन कर लो वाली, ताकि उन्हें भी थोड़ा सही रास्ते पे ले आओ। तो ऐसे कोई भी चीज़ छूटती है, गुटखा तंबाकू वगैरह सारी चीज़ें हराम है, मैं बार बार कहता हूँ। क्या ये सारी चीज़ें हराम? वला तक़तुलू अनफुसकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अपने हाथों से अपने आप को हलाक ना करो। जब हर ये जितने भी नशे वाली चीज़ें हैं ना, उस पर कुछ ना कुछ फ़ोटो बनाई होता है अजीबोगरीब। और आपको क्या लगता है सिर्फ फ़ोटो बनाए? ये आप कभी कैंसर के हॉस्पिटलों में जाके देखना, ये वाकई में हूबहू कॉपी पेस्ट ऐसे लोग मौजूद है। मैंने अपनी आँखों से देखी हुई बात बताऊँ, कई लोग ऐसे हैं ना जो यहाँ रखते थे, क्या कहते हैं यहाँ रखने को, मेरा जाती क्या क्या था, क्या तंबाकू, तंबाकू रखती या पब्लिक, वो रखते थे, रखे रखे रखे, अब वो थोड़ा और प्रो दिखने के लिए यहाँ भी रखने लग लेते, दोनों जगह रख रहा है बंदा। धीरे 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 वो इस लेवल पे चले गया कि यहाँ पे दोनों जगह सुराख हो गया उसको, उसके बाद दोनों गाल उसके निकल गए। ये कहानी नहीं सुना रहा हूँ मैं, रियलिटी बता रहा हूँ। दोनों टाटा हॉस्पिटल है मुंबई में, कैंसर का बहुत फेमस है, बहुत लोग आते हैं वहाँ, कभी जाना। इसीलिए कहते हैं कभी भी आपका दिल दुनिया में लगने लगे और ऐसा लगे ना कि अल्लाह ने मुझे दिया ही क्या है, तो हॉस्पिटल चले जाओ, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अल्लाह ने आपको क्या दिया है। जो आपके पास है वो किसी और के पास नहीं, आपको पता चल जाएगा। दोनों सुनिए, दोनों गाल उसके गए हुए, उसके बाद खाना कैसे खिला रहे पता है उसे, नली डाले हुए अंदर। अब वो तो वो कुछ चावल या रोटी वगैरह खा भी नहीं पाएगा, लिक्विड जा रहा है उसके अंदर। ऐसे लोग जीते हैं। और आखिरी टाइम पे मैंने देखा इतना ज़्यादा सूखे हो जाते, खाना कुछ नहीं, पूरी बॉडी दब जाती है, और आखिरी वक्त बहुत बुरा गुजरता है उनका, बहुत बुरा, मैंने देखा अपनी आँखों से। तो कोशिश करो अभी से ये गलत चीज़ों को हम क्या करें, छोड़ दे। करोगे कोशिश इंशाल्लाह?
इनला, कोशिश करो मैं छोड़ना है तो है, ठान लो। देखो जब भी इंसान ठानता है तो अल्लाह मदद करता है, जब आप नहीं ठानोगे तो फिर मदद भी नहीं आती है। ठान लो छोड़ना है तो है इंशाल्लाह, तो ये सारी चीज़ें छूट जाएगी। तो ये नशा करना, ये सिगरेट, वो किसी ने बोला ना सिगरेट पीने से क्या होता पता है दिमाग, और वो कौन से मौलाना थे कोई मुझे भेजा था, तारिक मसूद साहब, बोले वो लगाने से तो फिर और दिमाग तेज़ चलने लगता, तो कैसे हराम हो गया, सिगरेट पीने से दिमाग घूम जाता है, इस वजह से हराम कह रहा हूँ मैं। तो बोले ऐसे कैसे हराम, सिगरेट पीने से तो और दिमाग तेज़ चलने लगता है पब्लिक का, तो फिर कैसे हराम हो गया। तो ये सारी चीज़ें मकरू मकरू करके आपको बता देती है पब्लिक। अच्छा एक बंदा है जो कभी पिया ही नहीं, उसे पिलाओ दिमाग घूमेगा नहीं घूमेगा, ये है असल। शराब पीने वाला बंदा है, आप उससे पूछो शराब पीने से दिमाग घूमता है, वो बोलेगा नहीं घूमता है, जबकि गटरों पे वही पड़ा होता है, रात में घर नहीं आता, गटरों पे पड़ा होता है, दिन पूरी रात वहीं गुजार के सुबह घर पहुँचता है, फिर भी आपसे क्या कहेगा दिमाग नहीं घूमता भाई, बोलेगा नहीं घूमता है। और फिर आप देखना जितने भी हमारे ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर ट्रक वगैरह चलाते, अक्सर को मैं जानता हूँ वो क्या करते पता है, सारे पी कर ट्रक चलाते, क्यों, क्योंकि रात के टाइम पर उनका दिमाग तेज़ चलता है, नींद नहीं आती। तो इसका क्या मतलब, ये भी जायज़ हो गया भाई, पीने से तो दिमाग तेज़ हो रहा है ना, रात भर जाग पा रहा है बंदा, मतलब जायज़ हो गया। तो अकल इंसान उल्टी सीधी ना लगा, इस्लाम में अकल नहीं चलती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या कहा, अगर अकल से इस्लाम चलता ना तो मसा कहाँ होता, मोज़े के नीचे होता, गंदगी कहाँ लगती है, नीचे, लेकिन मसा करने का हुक्म कहाँ है, ऊपर। तो अकल से इस्लाम नहीं चलता भाई, अपनी अकल मत लगाओ, अकल लगाओगे तो वो सारे ड्राइवरों के लिए जायज़ हो गया शराब पीना, क्योंकि उनका दिमाग तो तेज़ चल रहा है। तो ये सारी, हाँ अल्लाह कहता है खुद कि इसमें थोड़ा सा मुनाफा है, वो मुनाफी लिन्नास, ये जितनी भी चीज़ें हैं शराब की, इसमें थोड़ा सा नफ़ा तो है ही, लेकिन इस मुहमा अकबर गुनाह जो है वो बहुत बड़ा है। आप ज़ाहिरी फ़ायदा तो देख लोगे, जो हमारे मौलाना ने भी बयान कर दिया, ज़ाहिरी फ़ायदा तो आप देख लोगे, लेकिन नुकसान इसका बहुत बड़ा है। वो जो सिगरेट पीता है उसको कैंसर नहीं होता सिगरेट से, नहीं होता, होता है भाई। और जितने बीड़ी वीड़ी पीते हो तो बगैर फिल्टर की पीते, आजकल गरीब गरीब ही कहूँगा ना, क्योंकि कितनी कितनी पीते हैं दिन में, एक दिन में मैंने देखा है कि बंदा अगर 500 रुपया कमा रहा है मिसाल के तौर पर, 200 रुपया इन चीज़ों में लगा देता है। तो इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ गरीब इंसान अपनी हरकतों की वजह से भी गरीब होता है बसा औकात। एक तो इंसान है कि तकदीर की वजह से गरीब रह गया, लेकिन बसा औकात इंसान अपनी हरकतों की वजह से भी गरीब होता है। मैंने देखा कई गरीब मजदूर है, वो मजदूरी करते, दिन का 1000 रुपया कमाते, उसमें 400 रुपया गुटखा तंबाकू सिगरेट में उड़ा देते, तो जो 400 रुपया उसका पूरा महीने का जोड़ोगे तो कितना नुकसान हो गया, 12000 का नुकसान हो गया। तो इंसान बसा औकात जो गरीब होता है ना, अपनी हरकतों की वजह से होता है गरीब, और धकेल देता है तकदीर के ऊपर। तो इंसान को चाहिए सारी चीज़ें देखे, फजूल की चीज़ें बचने की कोशिश करे। ये जितना भी सिगरेट तंबाकू ये सारी चीज़ें क्या है, हराम है, इससे बचे। ये सारी बात निकली थी एक ही चीज़ से कि हर इंसान गुनहगार है, कोई फरिश्ता नहीं है। मैं भी यहाँ बैठा हुआ फरिश्ता नहीं हूँ, मैं जो आपको सिखाता हूँ तो उससे सीखता भी हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, नसीहत करते रहो आप, वो नसीहत आपके भी काम आएगी, मेरे भी काम आएगी और आपके भी काम आएगी।